हो गया। देखो क्या है, स्वर है आप, ठीक है। जैसे जैसे स्वरों, जैसे हमने व्यंजनों को दिखाया था ना दो प्रकार की लाइनों से, वैसे हम स्वरों को भी क्या प्रकार, दो प्रकार के साइनों से दिखा रहे हैं। एक क्या दिखा रहे हैं हम, डॉट से बिंदु, एक क्या दिखा रहे हैं हम, डैश से। तो हमारे पास टोटल कितने स्वर हैं, टोटल हमारे पास 12 स्वर हैं। फर्स्ट आता है आ, ए, ई, औ, ओ और उ। फिर आता है आई, ए, ई, औ, औ, उ। हमने इनको क्या कर दिया है, दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमारे पास हमने कहा क्या कर, इधर वाले क्या हैं बिंदु स्वर, उधर वाले क्या हैं डैश स्वर। वो बोल रहे जो ऊपर वाली लाइन में दिख रहा आपको ये वाले, इनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर या डार्क वॉवल। क्या बोलते हैं, डार्क वॉवल या हैवी वॉवल, ठीक है। जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं हम लघु स्वर या लाइट वॉवल। क्या बोलते हैं, लाइट वॉवल। वो बोला दीर्घ स्वर वो होते हैं, देखो स्वर क्या होते हैं, पहले हमने कहा व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर क्या है जो सेपरेट रूप से बोले जाते हैं, ऐसी ध्वनि जिसको प्रकट करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना हो, ठीक है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो ऐसे साउंड को हम क्या बोलेंगे, वॉवल या स्वर बोलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा व्यंजन क्या होता है, सारे व्यंजन लगभग क्या होता है, अ स्वर से मिलके बने हैं। इसीलिए अ की कोई क्या नहीं है, मात्रा नहीं है। ये कहां की बात हो रही है, हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। हिंदी में कितने हैं, 11 हैं। तो बोले सिर्फ अ एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है। मात्री के आधार पर हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ शॉर्ट हैंड में कितने, टोटल 12 स्वर हैं, ठीक है, जिनके लिए हमने क्या कर दिया, दो कैटेगरी। हमने कहा इधर से इधर वाले क्या हैं, बिंदु स्वर, उधर वाले क्या हैं, डैश स्वर। जो ऊपर वाली लाइन में है इनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। ये ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा हमें क्या करना पड़ा, प्रेस करना पड़ा, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर बोलेंगे। लंबा खींचना पड़ा, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, आ, ए, ई, औ, ओ, उ, लंबा खींचना पड़ रहा है, एनर्जी क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर या हैवी वॉवल या डार्क वॉवल। बोले दीर्घ स्वरों को हम डार्क डॉट और डार्क डैश से दिखा रहे हैं। तो नीचे वाला है इनको क्या बोलते हैं, लघु स्वर। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलने में क्या लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, हमारी एनर्जी पावर क्या लग रही है, कम लग रही है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, लघु स्वर। तो बोले लघु स्वरों को लाइट डॉट और लाइट डैश से प्रकट करते हैं, इसीलिए हम इसे लाइट वॉवल बोलते हैं, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट हमने कहा क्या, हमने कहा इनका व्यंजनों में कर रखा, हमने सारे स्वरों को तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया। हमने कहा ये वाले क्या है, फर्स्ट प्लेस, ये वाले सेकंड प्लेस, ये वाले क्या है, थर्ड प्लेस। वैसे ही डैश वॉवल भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और ये वाले क्या है, थर्ड प्लेस। सारे स्वरों को क्या कर दिया हमने, तीन प्लेसों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे डॉटों को भी, वैसे ही डैश को भी क्या, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। इनका अरेंजमेंट हमने क्या किया, व्यंजनों में, क्योंकि व्यंजनों के क्या लगाते हैं हम, स्वरों की मात्राएं लगाते हैं, वैसे ही हम इनको भी स्वरों पर, इनको भी हम व्यंजनों पर लगाएंगे। प्रत्येक व्यंजन में बोला दो साइड है, एक क्या है बिफोर साइड, क्या है बिफोर साइड या पहले की तरफ, और दूसरी आती है आफ्टर साइड, बाद की तरफ। तो बोला जहां से व्यंजन शुरू होता है वहां से हम फर्स्ट प्लेस मानते हैं, मिडिल में हम सेकंड प्लेस मानते हैं, जहां पर एंड हो रहा है वहां पर क्या मानते हैं, थर्ड प्लेस। वैसे ही इधर भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। बोला प्रत्येक व्यंजन में कितनी साइड है, दो साइड है, एक क्या है बिफोर साइड, एक क्या है आफ्टर साइड। जहां से व्यंजन शुरू हो रहा वहां से फर्स्ट प्लेस, जहां से एंड हो रहा थर्ड प्लेस, मिडिल में क्या है सेकंड प्लेस। अब हमने इधर आफ्टर, इधर बिफोर क्यों माना, देखो जैसे प है तो प के बाद हम प क्या लिखेंगे, ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब इससे पहले कौन सा लिखा है, ये, इसके बाद कौन सा लिखा है ये, क्योंकि हम लिखना कहां से कर रहे हैं, इधर से हम इधर को चल रहे हैं, इसलिए हमने इधर वाली को क्या माना, पहले, उधर को क्या माना, बाद में माना, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है इसके बाद क्या आता है, ट टावर्ग, इंग्लिश में होता है टी डी, ठीक है। तो इसके क्या होता है, इधर बिफोर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आफ्टर। जहां पर शुरू हो रहा है फर्स्ट प्लेस, मिडिल में सेकंड, जहां पर एंड हो रहा थर्ड, वैसे यहाँ भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। वैसे क्या है च, च वर्ग, च छ झ, ठीक है। तो साइड वही रहेगी बिफोर आफ्टर, क्योंकि च के बाद च इधर को बन जाएगा। जहां से शुरू हो रहा फर्स्ट प्लेस, मिडिल में क्या हो जाएगा सेकंड, जहां पर एंड हो रहा थर्ड, वैसे यहाँ भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। वैसे क्या आता है र, र के बाद र इधर को बनेगा, तो इसलिए हमने कहा इधर को क्या हो जाएगा आफ्टर साइड, इधर को क्या हो जाएगा बिफोर। शुरू कहां से हो रहा है, यहां से, जहां से शुरू होगा वहां से क्या होगा फर्स्ट प्लेस,
मिडिल में क्या हो जाएगा सेकंड प्लेस, यहाँ पे क्या होगा थर्ड। दोनों में अंतर क्या है, वो ऊपर से नीचे है, डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है, रॉ क्या है अपवर्ड कॉन्सोनेंट है, जो नीचे से कहां बनना ऊपर की ओर बनना है, ठीक है, बॉटम टू टॉप। ये क्या है फर्स्ट प्लेस, मिडिल में सेकंड, यहाँ पे ऑर्डर थर्ड। वैसे क्या है कवर्ग, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, समतल व्यंजन है। अगर हम ये लाइन है खींचते हैं, अगर ये लाइन खत्म होती है तो हम कहां जाएंगे इस वाले में, ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हमने पहले कौन सा किया, इससे पहले कौन सी लिखी ये, बाद में कौन लिखी ये, इसका मतलब ऊपर को क्या हो जाएगा बिफोर और नीचे को क्या हो जाएगा आफ्टर। इसलिए हमने इस पर क्या माना बिफोर और आफ्टर, ठीक है। शुरू कहां से हो रहा है, जहां से यहाँ पे मिडिल में ये सेकंड प्लेस, जहां पे एंड हो रहा थर्ड प्लेस। वैसे इधर भी फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, अब इन्हीं को कर्व कर दो आप, क्या बन गया फ या भ, साइड वाइज रहेगी बिफोर आफ्टर फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वैसे ही है इसको कर्व किया तावर्ग बन गया ता था दा दा, या इंग्लिश में इथ और दा बन जाता है, ठीक है। ये क्या है बिफोर, ये क्या हो जाएगा आफ्टर, शुरू हो रहा फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, ये क्या है डुप्लीकेट तो है, ये भी वही है ता था दा दा, ये क्या है डुप्लीकेट है, तो साइड इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, साइड वही रहेंगे जो इसमें थे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इंग्लिश में एस जेड बन जाता है। नेक्स्ट है च, च को हमने कहा कर्व किया, क्या बन गया हमने श, तो साइड वही रहेगी बिफोर आफ्टर फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी ये क्या है लॉ है, लॉ नीचे से क्या होता है ऊपर के लिए होता है, तो साइड वही रहेगी बिफोर आफ्टर, जहां से शुरू हो रहा फर्स्ट प्लेस मिडिल में सेकंड, जहां पर एंड हो रहा थर्ड, वैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे क्या है क है, नीचे की तरफ बैंड किया नौ, ऊपर की तरफ बैंड किया तो म, साइड हमने कहा वही है बिफोर साइड आफ्टर साइड, इसकी भी वही है बिफोर आफ्टर फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे यहाँ भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस। इतना समझ में आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक कॉन्सोनेंट जो भी है ना, ये हमारी जो लाइन होती है ना कॉपी, शॉर्ट हैंड की कॉपी की लाइन, नॉर्मल कॉपी की लाइन अगर सपोज इतना है तो शॉर्ट हैंड की इतनी चौड़ी होगी, तो बोल रहा नॉर्मल कॉपी की लाइन से शॉर्ट हैंड की कॉपी यहाँ थोड़ा क्या होती है गैप ज्यादा रहती है, लाइनिंग का स्पेस क्या है थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा चौड़ी लाइनें होती है उनमें, क्यों होती है बोलता है वो वॉवल के प्लेस को बता रही है, वॉवल को नहीं बता रही है, किसको बता रही है वॉवल के प्लेस को बता रही है, कैसे वो इंडिकेट कर रही है वॉवल के प्लेस। तो किसी भी व्यंजन को यदि हमने लाइन के ऊपर लिखा, देखो लाइन के ऊपर कितना है, इस लाइन के ऊपर कितना है, ऊपर वाला भी टच नहीं है, उसके पास है भले ही इससे दूर है, इसका मतलब इसमें फर्स्ट प्लेस का वॉवल है, और फर्स्ट प्लेस में कितने वॉवल है चार, आ भी हो सकता है आई भी हो सकता है आओ भी हो सकता है ओ भी हो सकता है ओ भी हो सकता है, ठीक है। लाइन को टच करके लिखा, इसका मतलब इसमें क्या है सेकंड प्लेस का वॉवल है, तो सेकंड प्लेस में भी कितने चार, ए हो सकता है ए हो सकता है ओ हो सकता है अ हो सकता है। लाइन के नीचे लिखा, इसका मतलब इसमें क्या है थर्ड प्लेस के वॉवल है, क्या है बड़ा ही हो सकता है छोटा ही हो सकता है बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो वो बोले इसमें भी क्या है चार वॉवल है, तो इनमें से कौन हो सकता है, बोला अब लिखना स्टार्ट कहां से करेंगे, लाइन के ऊपर से, लाइन पर से, या लाइन के नीचे से, लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे, बोला कहां से आप स्टार्ट करोगे, लाइन के ऊपर से, लाइन पर से, या लाइन के, मतलब शब्द का फर्स्ट लेटर देखना है उस पर कौन से प्लेस का वॉवल आ रहा था, उसको बेस मानते हुए आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्या है आ चुका है आप, आ प्लस प, अब देखो शब्द का पहला अक्षर क्या आ रहा है आ, कौन से प्लेस पे है फर्स्ट प्लेस पे, इसलिए हमने प को कहां लिखा लाइन के ऊपर, कहां आ रहा प से पहले या बाद में, पहले की तरफ आ रहा है इसलिए हमने पहले की तरफ लगा लिया। ऐसे ही आता है पा, क्या है प प्लस आ, प लाइन के ऊपर लिखा बट यहां पे कहां आ रहा है आ का वॉवल, पहले की तरफ बाद की तरफ आ रहा तो बाद की तरफ लगा लो। ऐसे ही आता है आस, क्या है आ प्लस सौ, सौ लिखा लाइन के ऊपर कहां आ रहा पहले आ रहा, सौ से पहले आ रहा पहले लगा लो। ऐसे ही आता है सा, सौ प्लस आ, सौ लिखा कहां आ रहा वॉवल बाद में आ रहा, ठीक है। ऐसे ही आता है आग, क्या है आ प्लस ग, ग लिखा लाइन के ऊपर कहां आ रहा आ का वॉवल ग से पहले। ऐसे ही आता है गा, वह गाना गा रहा था तो ग के बाद क्या आ रहा वॉवल आ रहा था, हमने बाद में लिखा लिया, ठीक है। ऐसे ही आता है आस या आशा, आ प्लस सौ प्लस आ, अब देखो सौ से पहले भी वॉवल है बाद में भी वॉवल है, तो बेस किसे मानेंगे फर्स्ट हम इसको मानेंगे, बेस हम इसको मानेंगे जो पहले है,
तो हमने क्या माना, ना इनको ऊपर लिख दिया सौ, पहले कौन सा आ रहा आ, अब देखेंगे हम बाद में क्या आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है आ रहा, अब लगा लो इसको भी, ठीक है। ऐसे ही आता है आ धा, क्या है धा लिख दिया लाइन के ऊपर, पहले भी आ रहा है बाद में भी आ रहा है। ऐसे ही आता है आटा, क्या है ट है, पहले भी आया है बाद में भी आया है, ठीक है। ऐसे ही आता है रात, क्या है र है त है रात। ऐसे ही आता है बात, क्या है ब है और त है बात, या हाथ, ठीक है, या वार, व है र है वार, या हार, ह है र है हार, हार की जगह क्या होगा हारा, अगर होगा हा रा, क्या लिखा हमने ह और र, हा ये लाइन है, ठीक है, र यहां से शुरू हुआ तो यहीं पे लगा देंगे हारा, ठीक है। या आ चुका है पापा, प है प है, तो शब्द का पहला अक्षर को बेस मानना आपको, बाद वाले से मतलब नहीं है कहां जा रहा है, शब्द का पहला अक्षर ये है यहां से यहां तक, बाद वाले से मतलब नहीं है, ठीक है, बाद वाला जैसा आ रहा उसको वैसे चलो। पापा या टाटा, ट है ट है टा टा, या बाट या बाटा, बा टा बा टा, या खाद, ख है द है खाद, या बाला, ब है ल है बाला, या लाला, ला 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 ला, ठीक है, या राजा, क्या है र है ज है रा जा, या आ वा स आवास, दिख रहा है वही व्यंजन है, व है स है आ वा स आवास, ठीक है, क्या है आवास है, व व्यंजन है स व्यंजन है आवास, या आ धा र आधार, ध है र है आधार, ठीक है। ऐसे ही आता है बालक, क्या है ब है ल है क है बालक, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। या आता है वादा, क्या है वा है दा है वा दा, या दादा, द है द है दा दा, ठीक है, या जा ला, जा है जा ला जा ला जा ला, ठीक है। ऐसे ही आता है बाधा, ब है ध है बा धा, ठीक है। देखो अब क्या है, एक वॉवल है, ठीक है, ठीक है, क्या है ए लाइन में टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, अब क्या है एक और, जैसे हमने कहा क्या है एज, क्या है ए प्लस जॉ, अब जॉ से पहले क्या एक वॉवल हमने लिखा, पहले लगा लिया हमने एज, अगर होगा जे जॉ प्लस ए, जॉ लिखा एक वॉवल, ऐसे आता है ले लॉ प्लस ए, लॉ लिखा इसके बाद क्या रहा एक वॉवल, तो बाद की तरफ लगा लिया हमने। ऐसे आता है रे या रेट, र प्लस ए प्लस ट, र है ट है रेट, या लेख, क्या है ल प्लस ए प्लस ख, ल है ख है लेख। ऐसे आता है बेर, ब प्लस ए प्लस र, ब है र है बेर, या देर, द प्लस ए प्लस र, द है र है देर। ऐसे ही आता है मेल या मे, मे होगा तो क्या होगा म प्लस ए, म लिखा है ए लिख दिया, अगर होगा एम, क्या है ए प्लस म, तो म लिखा इससे पहले क्या हो जाएगा एक वॉवल लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आता है खेल,
क्या है, ख है, ल है, ख की कहां आ रहा, बाद आ रहा, लगा लो, या सेल, स है, ल है, सेल, या बेल, ब है, ल है, बेल, या मेल, वहां पे क्या आ रहा, एक वॉवल, ल पे कोई नहीं है, वहां के बाद क्या लगाना है, ए, मेल, या देर, द है, र है, देर, ठीक है, या टेक, ट है, क है, टेक, या ठीक है, आता है हेट, ह है, ट है, हेट, या फेल, क्या है, फ है, ल है, फ पे क्या रहा है, एक वॉवल हमने लगा लिया, फेल, या नेक्स्ट आ रहा है मेला, मेल नहीं है, मेला, तो शब्द का पहला अक्षर देखो क्या है, म है, उस पर कौन से प्लेस का वॉवल है, सेकंड प्लेस का वॉवल है, तो लाइन पे, बात से मतलब है ही नहीं है, मे ला, ठीक है, ऐसे ही आता है बेटा, ब है, ट है, ब पे ए, ट पे क्या आ रहा, आ, शब्द का पहला अक्षर से मतलब है, बात से मतलब नहीं है, बेटा, या के ला, क है और ला है, फ लाइन पे आ जाएगा, लॉ पे क्या जाएगा, आ, केला, ठीक है, या एकता, अब देखो शब्द का पहला अक्षर क्या है, ए, तो कॉली काम ने तो लाइन को जरूर टच करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा इतना एरिया क्या है, सेकंड प्लेस का है, ये सेकंड प्लेस का, इतने से नीचे क्या है, ये है थर्ड प्लेस का एरिया, ये है फर्स्ट प्लेस का एरिया, क्या है ये वाला है, ये यहां से दिख रहा है, ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस का एरिया है, ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड, ये सेकंड प्लेस के अपने एरिया में है, तो ए वॉवल आ रहा है, तो ये एकता, ठीक है, अगर ये सिर्फ क्या होता है, क के बाद केता होता तो हम इसके बाद की सारे लग जाते हैं, ठीक है, या जैसे आता है खेत, अब देखो ये ख है, ये क्या है त है, ख के बाद आ रहा है, ए हमने लगा लिया, खेत की जगह पे खात होता तो हम इसे इतना ऊपर लिखते हैं, तब ये त लाइन को टच नहीं करता, ठीक है, इतना ऊपर यहां पे रहता है एक खात की जगह पे, खात, तब ये लाइन को टच नहीं करता, बट क्या है खेत, ख के बाद क्या रहा ए, क्या है ये ख प्लस ए प्लस त, अगर ख को आप हटा भी दो क्या बचा एट, ख को हटा भी देंगे तभी भी एट दिख रहा आपको, ये अगर इसको हटा भी देंगे तो ए और त दिख रहा, अपनी प्लेस पे है वो, हटा दो ख है हे, ठीक है, या एक और आता है रेल, ठीक है, क्या है र है ल है रेल, ठीक है, आगे जाके हम रेल अलग लिखते हैं, रॉ बना देते हैं, डाउनवर्ड लॉ लिख देते हैं, ठीक है, उसी पे हम रेलवे भी जोड़ देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, फोटो बहुत सारी है मैं डाल दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो से आपको कर लेना इसको, ठीक है, अब आता है ई वाले, ठीक है, अभी मैं आ ए ई ही बता रहा हूं, ठीक है, बाकी आउ का वॉल तब बता दूंगा, ठीक है, जैसे ई है, जैसे हमने कहा क्या है पी, क्या है पी है, प प्लस ई, हमने प लाइन के नीचे लिखा, अब ई का वॉवल कहां आ रहा है, बाद में, बाद की तरफ लग दो, ऐसे ही आता है भी, भ प्लस ई, ठीक है, भ लिखा हमने लाइन के नीचे लिखा, उसमें क्या आ रहा है ई, हमने लगा लिया ई, क्या हो चुका है भी, ठीक है, ऐसे ही आता है सी, सौ प्लस ई, सौ लिखा ई, ये हिंदी का है, ठीक है, इंग्लिश का अलग हो जाता है, इंग्लिश का ये हो जाता है, अभी हिंदी वालों को लेकर आ रहा हूं, क्या है सी, ऐसे ही आता है जी, मंत्री जी, क्या है ज प्लस ई, तो बाद की तरफ आ रहा है तो बाद की तरफ लगा दिया हमने, ठीक है, या ईद, ई प्लस द, द लिखा, द से पहले ई आ रहा, हमने पहले लगा लिया, अगर होता दी, द प्लस ई होता तो द लाइन के नीचे लिखा, कहां आ रहा बाद की तरफ, बाद की तरफ लगा लिया हमने, ठीक है, ऐसे ही आता है ली, लॉ प्लस ई, लॉ लिखा इसके बाद आ रहा है ई का वॉवल, ठीक है, ऐसे ही आता है आ धी, आधी बोला हमने, आधी आबादी, आ धी, ठीक, ऐसे ही आता है
बाकी शब्द का पहला अक्षर को बेस माना हमने, यहां भी वही बाद से मतलब नहीं है, बाकी खाली खाली जमीन, खा है ली है, खा ली नाली नौ है ल है ना ली, ठीक है, या राखी र है ख है रा की ऐसी आता है, हाथी हा है थी है, या चा ची च है चा ची, ठीक है, शब्द का डिपेंड करता है कि कौन कैसा बनता है, च च नीचे के लिए बन रहा है तो इसीलिए नीचे, बट क्या होगा अगर होगा जारी तो जारी में नहीं हो पाएगा, जा री या हा री अ है री है हा री, ठीक है, या माली माली म है ल है मा ली, ठीक है, या आता है खादी, क्या है अ है द है, अ पे क्या रहा आ, द पे क्या रहा ई, देखो ये दो लाइन को टच नहीं कर रहा, अगर खादी के जगह पर होगा क्या बेटी, तो ब पे क्या आ रहा है सेकंड प्लेस का वॉवल आ रहा है, तो वो हमने सेकंड प्लेस पे लगा लिया बेटी, या ईशा, अब देखो शब्द का पहला अक्षर पहले क्या आ रहा है ई, बाद में क्या आ रहा आ, पहले थर्ड प्लेस का वॉवल आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है फर्स्ट प्लेस, तो हमने कहा जो पहले आएगा बेस हम उसको मानेंगे, अब पहले क्या आ रहा है ई का वॉवल, बाद में क्या आ रहा है आ, बाद में आ, ऐसे ही आता है आ सी, अब यहां पे क्या आ रहा है शब्द का पहला अक्षर क्या आ रहा है आ, आ कौन से प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे, इसलिए हमने इसको क्या लिखा लाइन के ऊपर लिखा आ, बाद में क्या आ रहा है सी आ सी, ठीक है, या आता है खाकी खा अर्की खा की, ठीक है, ऐसी आता है जाति ज है, ये तो की डुप्लीकेट फॉर्म बना दे मैंने जाति, तो हमेशा जाति ऐसे ही दिखा जाता है, आगे भी पढ़ोगे तो वर्ग आएगा तो उसके डुप्लीकेट फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है, त थ द द ऐसा भी बनता है और ऐसा वाला भी बनता है जैसे ब्रैकेट क्लोज होता है, ठीक है, जाति, या आता है दादी, एक है दा है दी है दा और दी, ठीक है, या बस राशि, अगर छोटी सी आ गया तो दोनों वही है रा हो चुका सी, ठीक, या राजी र है ज है रा जी, ये लाइन को टच भी कर ले बाद वाला उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट रॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि शब्द का पहला अक्षर क्या रहा है आ रहा है इसलिए, ठीक है, इतना करो अभी आप, देखो डैश वॉवल हमेशा क्या जुड़ेगा 90 डिग्री में, जैसे क्या है प है उसके साथ हमेशा ऐसे जुड़ेगा, ट है उसके साथ ऐसे, ज है उसके साथ ऐसे, र है उसके साथ ऐसे, क है उसके साथ ऐसे, अगर इनको हम क्रॉस करेंगे ऐसे करके तो देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको क्रॉस करेंगे ऐसे तो बन रहा, इसको क्रॉस करेंगे तो बन रहा, इसको क्रॉस करेंगे तो बन रहा, क को क्रॉस करेंगे तो बन रहा 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल में जुड़ेगा डैश वॉवल हमेशा, ठीक है, जैसे ये प है ना वैसे इसको हमने कर्व किया था, क्या बन गया फ, उसके साथ ऐसे त है उसको कर्व किया ऐसे, श है उसको कर्व किया ऐसे, ल है उसके साथ ऐसे, न और म, न के साथ यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो ये एंगल था ना हमने ऊपर मोड़ दिया ऐसे का बैंड कर दिया, इसलिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, वैसे म भी अंदर की ओर क्योंकि ये दो कोने हैं ना अंदर के लिए बैंड हो रखे हैं, इसलिए हमने हल्का सा इनको क्या किया तिरछा किया, तो इसका एंगल ऐसा माना जाता है, ऐसा ही अगर हम ऐसे के करेंगे देखो 90 डिग्री का इसका हल्का सा ऐसा है एंगल, ये इसको मानेंगे आप क्या क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है, अब देखो अब इनका रखना आपने, ठीक है, डैश वॉवल हमेशा कैसे जुड़ेगा 90 डिग्री, देखो अब इसके एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने कहा क्या है औसत,
क्या है, औ प्लस स प्लस ट। और शब्द का पहला अक्षर क्या आ रहा, औ। कौन से प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पे क्या है, हैवी डैश या डार्क डैश है, ठीक है। हमने स लाइन को ऊपर लिखा, तो लिखा, कहां आ रहा है औ का वॉवल, स से पहले आ रहा है, बाकी सौ तो पे हमने कहा जिसपे किसी का वॉवल ना हो हम औ का मानते हैं, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं इसको, जब वो आएगा औ की बारी तब करेंगे उसे संधि से, ठीक है। ऐसे ही आता है पौधा, क्या है, प प्लस औ प्लस ध प्लस आ, प है धा है प धा। ऐसे आता है सौदा, सौदा नहीं बोल रहे हम, सौदा नहीं है, सौदा औ का वॉवल है, तो क्या है, स प्लस औ प्लस द प्लस आ, स है द है स द, या तौर बोलते हैं आम तौर पर, तौर तरीका क्या है, त प्लस औ प्लस र, त है र है तौर, ठीक है। या मौत, मौत नहीं है, मौत है, क्या है, म प्लस अ प्लस त, म है त है, म पे क्या रहा, आउ का वॉवल, त पे कुछ नहीं है, ठीक है। या हौसला, अ प्लस आउ प्लस स प्लस ल प्लस आ, हौसला हौसला, ठीक है। या आता है दौलत, द प्लस औ प्लस ल प्लस त, अब क्या है, द पे क्या रहा, औ का वॉल, दौलत, ठीक है। या मौका, म प्लस औ प्लस क प्लस आ, मौका। ऐसे आता है मौखिक, ठीक है, तो अभी मौखिक को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, अभी मौका ही तक लिखो, ठीक है। ऐसे आता है दौरान, दौरान नहीं, दौरान, द प्लस औ प्लस र प्लस आ प्लस न, द है र है न है, द रान, ठीक है। ऐसे आता है सौरभ, स प्लस औ प्लस र प्लस भ है, अब क्या है, सौ पे क्या रहा, औ का वॉवल, सीधे लाइन के ऊपर र और भ, अंतर क्या है, ये लाइट है, ये क्या है, डार्क है, तो क्या होगा, सौरभ। ऐसे ही आता है भौतिक का भी नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि इंटरमीडिएट वॉवल आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आता है सौर, एक शब्द आता है सौर, क्या है, स प्लस औ प्लस र, स है र है सौर, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं, अब क्या है, ओ का वॉवल, ठीक है, क्या है, हमने कहा क्या है, पोल, प प्लस ओ प्लस ल, ल सेकंड प्लेस का वॉवल है, हमने लिख लिया सेकंड प्लेस पे पोल। ऐसे आता है गोल, ग प्लस ओ प्लस ल, ग है ल है, क्या है, गोल। या खोलना, ख प्लस ओ प्लस ल प्लस न प्लस आ, ख है ल है ना है, क्या है, खो ल ना, कहां पे आएगा, लाइन पे, ठीक है। या
बोर, ब प्लस ओ प्लस र, ठीक है, जैसे शॉर्ट हैंड लिख लिख के बोर हो रहे थे आप लोग, ठीक है, तो क्या है, बोर है, ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बोर होने वाला नहीं है, बोर वो होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बोर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपका काम है जो मैंने एग्जाम्पल दे रखे उनको बोल बोल के लिखना है, तो इनका जो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है तो इनको क्या करना है, देख देख के माइंड में नहीं डालना है, कानों के थ्रू माइंड में डालना है, ठीक है, ऐसे ही आता है, कोल क प्लस ओ प्लस ल, क है ल है, कहा है कोल, ऐसे ही आता है, बोली शब्द का पहला अक्षर क्या है, ब है, बोली, ऐसे आता है, होली ह है ली है, होली, ठीक है, ऐसे आता है, धोती, किसान धोती पहनकर खेत में जाता है, तो क्या है, धोती, द है त है, द पे क्या रहा, ओ, धोती, या बोरी, वह चावल की बोरी लेकर आया, बोरी क्या है, ब है, र है, बो पे क्या रहा, ओ का वावल, र पे क्या रहा, ई, ठीक है, ऐसे ही आता है, कोशी, को अशी, मैंने बोला था सेकंड प्लीज, एक एरिया बता रखा, इसके बाद डाउनवर्ड आ रहा तो लाइन के हल्के सा ऊपर, ये चला को शी, ठीक है, ऐसी आता है, नोट, नोटबंदी क्या है, नौ है त है, नौ पे क्या रहा, ओ, नोट, ऐसी आता है, वोट, वोट, वोट भी लिख सकते हैं, मगर भूट से बना है भूटिया, ये मैं आगे द्विस्वर होगा तब बता दूंगा, ठीक है, ऐसे ही आता है, कोरा, को रा, ठीक है, ऐसे ही आता है, लोक, बोलते हैं लोक अदालत, लोक आएगा तो गॉडार्क हो जाएगा, ठीक है, या लोग, लोग होगा तो गौ क्या होगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है, या और, ये रॉ सॉरी, आगे जाके ऐसे डाउनवर्ड बनता है, अभी क्या है, और, अभी आपको अपवर्ड ही बनाना है, क्योंकि इसके अभी अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं पढ़ी आपने, वैकल्पिक रूप नहीं पढ़े रॉ के, तो एक रॉ ये होता है, एक रॉ आगे जाकर के पॉ को कर्म कर देते हैं, तो आगे जाके हमारा ऐसा बनता है, आगे पढ़ोगे आप कब अप रॉ अपवर्ड कब डाउनवर्ड बनता है, इसके वैकल्पिक रूप पढ़ेंगे आगे जाके, चैप्टर आता पूरा, ठीक है, अभी और ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ऐसे ही आता है, तोलना, 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 बोलना, 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 ठीक है, या रोता, मोहन रोता है, ठीक है, या शोर, बच्चे शोर मचा रहे हैं, शोर, ठीक है, इतना करो अभी, ठीक है, अब आते हैं ऊपे, देखो अभी नोट कुछ नहीं करना है, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको, आपको सिर्फ यहां देखना है, अब क्या है ऊ, जैसे हमने कहा क्या है, ऊन क्या है, ऊ प्लस नौ, मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल कंसोनेंट को हम लाइन के नीचे नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एक नौ व्यंजन ऐसा है जिसको हम लाइन के नीचे लिख सकते हैं, नौ लाइन के ऊपर, नौ लाइन पे, नौ लाइन के नीचे, बाकी इसके अलावा कोई भी व्यंजन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अभी क्या आ रखा, अभी आ रखा ऊन, नौ को लाइन के नीचे लिखो, इस पे ऊ का वावल लगा दो, ठीक है, ऐसे ही आता है, लू, लॉ प्लस ऊ, ऐसे शब्द बता रहा हूं जो क्या है उस पे आ रहे हैं, ठीक है, लॉ लिख दिया, ऊ, या भू,
प्लस उ, भ लिख दिया, डैश वाओ लगा ले, हमने कहा क्या है ये भू, ठीक, या आता है बालू, क्या है ब प्लस आ प्लस ल प्लस उ, ब है ल है, ब पे आ है, ल पे क्या है उ है, ठीक है बालू, ठीक है, या कालू, ठीक है जी का नाम है क प्लस आ प्लस ल प्लस उ, क्या है कालू, ठीक है क्या है क है ल है कालू, ठीक है, या जादू, क्या है ज है द है, ज पे क्या रहा आ, द पे क्या रहा उ, जादू, या उषा, शब्द का पहला अक्षर क्या है उ प्लस स प्लस आ, मैंने ये पहले भी दे रखा था, ठीक है क्या है उ, थर्ड प्लेस का वाउल आ रहा है तो हमने बेस किसको मानना जो पहले आएगा उ को, उ सा, ठीक है, ऐसे आता है दादू, द अद ता दू, ठीक है, या लालू, ला अल ला लू, ठीक है, या तालू, ता है ल है ता लू, ठीक है, इतना ही, इतना बहुत होता है, बाकी मैं तब बताऊंगा जब इंटरमीडिएट वाउल आएगा, ज्यादा एग्जांपल कहाँ आएंगे बीच में, अभी आपको सिर्फ इतना करना, अभी क्या है ये क्या है दीर्घ स्वर दे रखे हैं मैंने, कि अभी डॉट कैसे होते हैं और डैश कैसे होते हैं, बाद में यही चीज आपको लाइट लाइट लगा देना है तो भी है। वैसे भी पता चल जाता है सेंटेंस में कौन सा प्लेस है, मगर ये जरूर देखना है कि शब्द का पहला अक्षर क्या है, उसको बेस मानते हुए आपको क्या लिखना है आगे करना, ठीक है, एक और लिख लो साधु, ये बहुत बार आता है, सा है ध है साधु, ठीक है, या काबू, क है ब है काबू, ठीक है, बस कर दो इसको।